हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो के अंदर आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं। हमारे पास आ चुका है बोट एडप्स 181 और आपके लिए ये लेना सही होगा या नहीं, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट एंड तक वीडियो के देखते रहिए, और थोड़ी सी भी पसंद आती है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर हिट कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते। सबसे पहले इसकी बॉक्स पैकिंग की बात करी जाए तो आपको यहाँ पे एडप्स 181 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। 10 mm का आपको ड्राइवर्स देखने को मिलता है, ENX टेक्नोलॉजी फीचर्स देखने को मिल जाएगा, बेस्ट मोड फीचर्स भी आपको मिलता है, और यहाँ पे जो आपको वन टच वॉइस असिस्टेंट फीचर्स भी आपको मिलता है। और पीछे की हम देखें तो कुछ हाइलाइटर्स मिल जाते हैं आपको, IWP और टेक्नोलॉजी फीचर्स देखने को मिल जाएगा, टोटल 20 आवर्स प्लेबैक मिल जाएगा, टच कंट्रोल्स और अल्ट्रा लाइट वेट फीचर्स भी मिलते हैं। और हम साइड की तरफ देखें तो इसकी प्राइस जो यहाँ पे लिखी गई है 2,990 रुपीज़, ये मुझे पड़ा है सिर्फ 1,500 रुपीज़ में। चलिए इसको हम अनबॉक्स यहाँ पे कर लेते हैं। और यहाँ पे को एक बोट का लोगो देखने को मिल जाएगा, इसको हम यहाँ पे अनबॉक्स कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर रखा हुआ जो आपका जो केस देखने को मिलता है, और एडवर्स भी जो है आपको अलग से ही रखा हुआ आता है, और थोड़ी देर के लिए उसको निकाल के साइड पे रखेंगे। और यहाँ पे आपको मिलता है USB टाइप सी केबल देखने को मिलती है आपको, 4 एक्स्ट्रा एडिप्स मिलते हैं। और उसके अंदर हमें क्या एसेसरीज देखने को मिल जाते हैं देखते हैं। और यहाँ पे आपको एक यूज़र मैनुअल मिल जाएगा, और रेड मी बिफोर यूज़ का एक कार्ड देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको मिलता है 1 इयर वारंटी कार्ड। इसको हम साइड पे रखेंगे। और ये थे हमारा कंटेंट। और सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें केस की, तो आपको टोटल बिल्ड क्वालिटी इसकी प्लास्टिक की देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे जो ग्लॉसी फिनिश में आता है, इसमें आपको स्क्रैच पड़ने का चांसेस जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे आपको बोट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, बॉटम पोर्ट में आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाएगा, एक रिसेट की मिलेगी, और यहाँ पे एक LED मिल जाएगी। और इसके लीड की बात करी जाए तो लीड आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथलेस लीड देखने को मिल जाती है, और आप वन एंड से भी आराम से इसको ओपन कर सकते हैं, इस लीड को और क्लोज वगैरह कर सकते हैं। और ये केस जो है आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट देखने को मिल जाता है, और ये केस जो है आप इजीली पॉकेट में डाल के भी कैरी वगैरह कर सकते हैं। ड्राइवर्स की बात करी जाए तो ड्राइवर्स जो आपको 10 mm का ड्राइवर्स देखने को मिल जाएगा, और इसका डिज़ाइन जो आपको इन ईयर टाइप डिज़ाइन देखने को मिल जाते हैं। बोर्ड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, माइक्रोफोन्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको चार्जिंग पीस मिल जाएगी। और एडिप्स की बात करी जाए तो एडिप्स जो आपको सिलिकॉन्स की देखने को मिल जाएगी, और उसके अंदर आपको एक प्लास्टिक का जाली भी देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको माइक्रोफोन्स देखने को मिलते हैं। और मुझे यहाँ पे डिज़ाइन जो यहाँ पे इसके प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा लगा, अंडर 1500 रुपीज़ के हिसाब से। चलिए इसको फटाफट से हम मोबाइल के साथ पेयर कर लेते हैं। वीडियो की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का देखने को मिलता है। 10.2 मीटर तक रेंजिंग के लिए इस डिवाइस को आराम से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और इसमें आपको फीचर्स मिलता है IWP टेक्नोलॉजी का, और सिर्फ आपको लीड को ओपन करना पड़ेगा, ब्लूटूथ का एनेबल कर लीजिए और थोड़ी देर के लिए वेट कर लीजिए। यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, मैंने इसको जो है पहले से कनेक्ट करके रखा था, और यहाँ पे जो अभी बैटरी जो है शो हो रहे हैं 100%। और इसको हम फिर से लीड को क्लोज करेंगे, और फिर से कनेक्ट होने में कितना देर लगता है वो हम देखेंगे। इसको हम क्लोज किया हुआ है अभी, और ये अभी डिस्कनेक्ट हो चुका है। फिर से हम लीड को ओपन करेंगे, और थोड़ा सा डिले लेता है, होता है फास्ट इसका जो पेयरिंग है। चलिए इसको फटाफट से हम सॉन्ग सुन के देखते हैं। दोस्तों बेस क्वालिटी की बात करी जाए तो इसमें आपको फीचर्स मिलता है, ENX टेक्नोलॉजी भी क्लियरली हर्ड, और इसमें आपको सॉन्ग्स वगैरह सुनोगे तो क्लियर साउंड मिल जाएगा। मतलब मैंने यहाँ पे टेस्ट किया है, इतना मजा आता है इस ईयरबड्स के थ्रू सॉन्ग सुनने में। कुछ भी आपको इसमें आप सॉन्ग सुनते वक्त दिक्कत भी जो है आपको नहीं देखने को मिल जाएगी। काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बेस मिलता है, काफ़ी ज़्यादा बूमी बेस है इसमें, और यहाँ पे इंटरमीडियट से फिशल ओको स्ट्राइपर्स जो है काफ़ी ज़्यादा क्लियर देखने को मिल जाते हैं। मुझे यहाँ पे बेस क्वालिटी जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पसंद आई है। सो गाइस, अभी आप सुन रहे हैं इसी ड्राइवर्स के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है ऑडियो क्वालिटी बोट एडप्स 181। आपके इसको ऑडियो क्वालिटी कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर यहाँ पे बता दीजिए। कंफर्ट की बात करी जाए तो एयरबड्स में आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट मिल जाएगा आपको कान में। आप इस तरह से चेक करते हैं कि तो गिरेगा नहीं है, परफेक्ट तरह से आपको फिटिंग्स यहाँ पे मिल जाएगी आपके कान में, और यहाँ पे आपको दिक्कत भी यहाँ पे नहीं आएगी आपका पसीना आता है तो भी। इसमें आपको IPX4 स्वेट रेजिस्टेंस मिल जाती है, थोड़ा हल्के मुल्के आपको कान में पसीना आता है तो भी आपको यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है।
बैटरी बैकअप की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको 300 mAh की बैटरी इसमें लगी हुई देखने को मिल जाते हैं। बर्स में आपको 35 mAh की बैटरी जो है इसमें लगी हुई देखने को मिल जाते हैं और इसमें आपको SF चार्जिंग सपोर्ट मिल जाते हैं। 10 मिनट्स में चार्ज करते हैं तो 90 मिनट्स का आपको प्लेबैक मिलता है और यहाँ पे अप टू 20 आवर्स का टोटल प्लेबैक मिलता है आपको। और यहाँ पे आप सिंगल चार्ज पर यूज करते हैं तो आप यहाँ पे 5-4 घंटे यूज यहाँ पे कर सकते हैं। मुझे इसके बैटरी बैकअप जो है यहाँ पे काफी अच्छे यहाँ पे लगी। पैनल्स की बात करी जाए तो आप यहाँ पे राइट वाले एयरबड्स को सिंगल टैप कर लेते हैं आपका जो सॉन्ग जो है पॉज हो जाएगा, फिर से आप सिंगल टैप कर लेते हैं आपका जो सॉन्ग जो है प्ले हो जाएगा और लेफ्ट वाले एयरबड्स को आप सिंगल टैप कर लेते हैं आपका जो सॉन्ग जो है पॉज हो जाएगा, फिर से आप टैप कर लेते हैं आपका जो सॉन्ग जो है प्ले हो जाएगा। और आपको नेक्स्ट सॉन्ग पर जाने के लिए आपको जो राइट वाले एयरबड्स को आपको दोबारा यहाँ पे टैप करना पड़ेगा, जो आपका जो सॉन्ग है नेक्स्ट सॉन्ग पर जाएगा और बैक प्रीव्यू सॉन्ग पर आने के लिए लेफ्ट वाले एयरबड्स को आपको दोबारा यहाँ पे टैप करना पड़ेगा, आपका जो सॉन्ग है बैक प्रीव्यू सॉन्ग पर आ जाएगा। असिस्टेंट या सीरी ओपन करने के लिए आपको जो है लेफ्ट वाले एयरबड्स को थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखना होगा। यहाँ पे ओपन हो चुका है, आपको यहाँ पे कॉल आता है तो सिंगल टैप पर कॉल को रिसीव कर सकते हैं, सिंगल टैप को कॉल को कट कर सकते हैं और इस तरह का आपको फंक्शन बटन देखने को मिल जाते हैं। जो इसकी एयरबड्स की जो है हम लो लेटेंसी जो है यहाँ पे हम टेस्ट करने वाले हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए कैसा इसका जो रिस्पॉन्स मिल जाता है। जो मैंने यहाँ पे लेटेंसी जो है टेस्ट की है अच्छे से और यहाँ पे मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और गेम खेलते वक्त कुछ भी आपको यहाँ पे लैग वगैरह नहीं देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप अंडेड वॉल्यूम पर गेम खेलते हैं तो भी आपको कुछ यहाँ पे दिक्कत जो यहाँ पे नहीं आने वाली है, इस एयरबड्स के थ्रू आप आराम से यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं गेमिंग। दोस्तों ये डिवाइस जो आप लेना चाहते हैं डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छे हैं यहाँ पे आपको ईयरबड्स देखने को मिलता है। और हमारी जरूर वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिए, 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करने में थोड़ी सी हमारी हेल्प कर दीजिए। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट एपिसोड से मिलते हैं।